नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 60वां और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 8वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इस प्रीलिम्स का जो हमारा क्रैश कोर्स है, उसमें कुल 151 वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसका कि ये 60वां लेक्चर आपके सामने मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक क्रम से सभी लेक्चर्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हमने प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है। तो ऐसे में ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत सहायक होगा। आखिरी समय में सारे सब्जेक्ट को आप बहुत कम समय में बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा ये लेक्चर आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकारों को। अब देखिए, जो मूल अधिकार का टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिहाज से 8 से 10 घंटे का ये टॉपिक है, और रेगुलर क्लासेस में हम इसे 6 से 7 लेक्चर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को हम देखें या उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रीलिम्स को हम देखें, तो चाहे आरओ यारओ हो, तो हमें ये समझ में आता है कि मौलिक अधिकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होता है। बस ये पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 26 में क्या है, 30 में क्या है, इस तरीके से जो है ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा रिवीजन भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि बहुत विस्तार में जा कर के समझने का अब अभी कोई औचित्य प्रीलिम्स के लिए हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से इसको हम समझेंगे। तो मूल अधिकार, अब देखिए मूल अधिकारों की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें मूल अधिकार प्रोवाइड कराए, तो भारत का संविधान किन किन घटनाक्रमों से प्रभावित था, एक बात। और दूसरी बात ये कि दुनिया में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, भारत में किस प्रकार से इवाल्व हुआ, और भारत में कैसे इवाल्व हुआ है, इसमें तो कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको हम समझना चाहेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि मानवों की शुरुआत शिकारी संग्रहक के रूप में हुई, हंटर गैदरर। उसके बाद धीरे धीरे एक खेती का कॉन्सेप्ट आया, अब मानव जो है एक जगह रहने लगे, समूह बना करके रहने लगे। तो धीरे धीरे जब समूह बना करके रहने लगे तो एक नियम है कि 150 से अधिक लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनके लिए लिखित या अलिखित नियमों की आवश्यकता होती है। तो अब धीरे धीरे समाज में नियम आने लगे तो जो सार्वजनिक कार्य हैं उनके लिए किसी को नेता के रूप में माना जाने लगा। धीरे धीरे फिर राज्यों की अवधारणा आने लगी, राजा आने लगे, और जो राजा थे उनका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि राजा ईश्वर का पुत्र है या ईश्वर की छाया है या ईश्वर का प्रतिनिधि है। और ऐसे में जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो सारे राइट्स उसको कौन दे रहा है, तो ईश्वर दे रहा है। तो जो व्यक्ति राइट्स देगा वही क्या करेगा, उसी के प्रति तो आपकी जवाबदेही होगी, उसी के प्रति तो आप रिस्पांसिबल होंगे। तो ये कहा गया कि सारे राइट्स जब ईश्वर से मिल रहे हैं तो राजा किसके प्रति रिस्पांसिबल है, वो ईश्वर के प्रति है, न कि अपने जनता के प्रति है। अभी लोकतंत्र में क्या है, सारी ताकत सरकारों को कहाँ से मिल रही है, जनता से मिल रही है। तो सरकारें कहाँ किसके प्रति रिस्पांसिबल हैं, तो जनता के प्रति। तो उस समय तक ये जनता के प्रति रिस्पांसिबल है सरकार, इस तरह की भावना जो है नहीं थी। हालांकि भारत में तो चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजा कोई ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, राजा जो है जनता के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस
कॉन्सेप्ट को पहली बार कुठारघात लगा कब? 1215 में, जब ब्रिटेन के राजा जान को घेर लिया वहाँ के सामंतों ने और कहा कि सारे अधिकार आपके ही नहीं होंगे, कुछ अधिकार हमारे भी हैं। तो हमारे क्या क्या अधिकार होंगे ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रताओं का महान घोषणा पत्र ब्रिटिश सम्राट जान द्वारा हस्तांतरित हुआ 1215 में, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा लिबर टेटम, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो 1689 में ब्रिटेन का बिल ऑफ राइट्स आया, अधिकारों का विधेयक, ठीक है। राजा की ताकत और कम हो गई। ब्रिटेन में हम जानते हैं अलिखित संविधान है, यानी वहाँ संविधान एक ही किताब में लिखित नहीं है, अलग अलग कानूनों में है। तो उसी तरीके से ये बिल ऑफ राइट्स जो है अधिकारों का विधेयक या मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है। इसके बाद 1789 में फ्रेंच नागरिकों द्वारा द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मानव के अधिकार और नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र उद्घोषित हुआ, और जहाँ से हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकारों को लेकर के आता है वो है 1791 में अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन। तो अमेरिकी संविधान को हम जानते हैं बहुत छोटा लिखित संविधान है। तो अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में किस संशोधन द्वारा आया? तो वहाँ का 10वां संशोधन हुआ। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, जिसे हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, अधिकारों का विधेयक। इसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा ये घोषित किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र उद्घोषित हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सभी सदस्य देशों से कहा कि आप लोगों को ये चाहिए कि आप अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दें। तो ये तो बात हो गई हमें जो है भारत से बाहर। भारत में अगर हम बात करें तो 1895 में भारतीय संविधान विधेयक आया था और इसके माध्यम से भारतीयों ने पहली बार मूल अधिकार की मांग की थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक इसको लेकर के आए थे संविधान विधेयक, इसके माध्यम से पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। इसी बीच में 1919 का काला कानून आया, जिसे हम जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से, रोलेट एक्ट, जिसके बारे में कहा गया कि बिना दलील बिना अपील वाला ये काला कानून था, ठीक है, रोलेट एक्ट, जिसमें कि किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसका जुर्म भी नहीं बताया जाएगा और उसे कितना भी लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है उस समय राष्ट्रवादियों को ये समझ में आया कि अभी तो अंग्रेजों की सरकार है लेकिन जब भारतीयों की सरकार बनेगी और कोई इस तरह से तानाशाह आ जाएगा और उसके पास इतनी अधिकारिता होगी कि वो जब चाहे जिसे चाहे जब तक चाहे जेल में उठा करके बंद कर सकता है, तो जो है इसके लिए कुछ हमें प्रोविजंस करने पड़ेंगे कि भाई स्टेट की मशीनरी क्या है, बहुत बड़ी है, स्टेट किसी के साथ अन्याय कर सकता है। इसके बाद 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, जो नेहरू रिपोर्ट बनी। इसके बाद 1930 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन और 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की, और 1945 भारतीय संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में तेज बहादुर सप्रू द्वारा मूल अधिकारों की वकालत की गई। और उसके बाद इन सब का प्रभाव जो है भारत के संविधान सभा पर पड़ा और भारत में मौलिक अधिकार आए। तो अब जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिखित हुए अधिकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, जैसा कि मैंने बताया। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो आप कहेंगे कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब मूल अधिकारों का एक काम क्या है कि ये राज्य के मन मर्जी पूर्ण कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। तो बहुत सारे मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं, क्योंकि भले ही देश में लोकतंत्र है लेकिन अगर
नागरिकों को उस तरह के अधिकार नहीं दिए जाएंगे जिससे कि वो स्टेट से अपनी रक्षा कर सकें, तो फिर स्टेट उनके साथ अन्याय कर देगा। अभी देखिए, कहने को तो हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में है सबको पता है कि लोकतंत्र में जनता के पैसे से सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, तो कहने के लिए तो जनता मालिक है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जब मैं स्टेट कह रहा हूँ तो एक दरोगा भी स्टेट ही है और एक डीएम भी स्टेट ही है, तो वो कितना जल्दी अन्याय कर सकते हैं। अभी एक डीएम साहिबा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने जबरदस्ती एक व्यक्ति को कहा कि तुमने मुझे धक्का दिया और उसको 2-3 पड़ाका जड़ दिया। तो इस तरह आप आए दिन देखते हैं कि कैसे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो है आम जन के साथ अन्याय कर दिया जाता है। तो अगर उनके पास राइट्स नहीं रहेंगे तो राज्य का मतलब यही है, राज्य की पूरी मशीनरी, ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध, और कुछ मूल अधिकार हमें व्यक्तियों के विरुद्ध मिले हुए हैं, ठीक है, समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध मिले हैं। कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 2, 17, 23, 24 सब देखेंगे हम आगे, ठीक है। अब देखिए, जो मूल अधिकार हैं ये न्यायोचित अधिकार है, हमें जानते हैं, हमें अधिकार तो डीपीएसपी भी देता है, लेकिन डीपीएसपी को लेकर के हम अदालत में नहीं जा सकते, तो ये न्यायोचित अधिकार है, जस्टिएबल राइट्स है, यानी कि इसके उल्लंघन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये कहा गया कि मूल अधिकार असीमित और अस्थायी नहीं है, इस पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, वो प्रतिबंध भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, भाग 3 में। तो अब एक बार जो है हम पूरे मौलिक अधिकारों को देख लेंगे, फिर इनके डिटेलिंग में हम चलेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 ये क्या बताता है? ये राज्य की परिभाषा बताता है, क्योंकि हर जगह राज्य शब्द लिखा हुआ है, तो आखिर राज्य क्या है इसको भी परिभाषित करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 29, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, फिर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो कि समाप्त हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33, 34, 35 सबके लिए हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं, भारत भूमि पर मौजूद विदेशी और भारतीयों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसका जो है यहाँ पर लिखा गया है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, भारत भूमि पर मौजूद विदेशियों को नहीं। और भारत भूमि पर मौजूद विदेशियों और भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं तो वो है अनुच्छेद 20, 21, 21 क, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 14। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मिले मूल अधिकार जिनकी हमने बात की, ठीक है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुच्छेद 15, 2, 17, 23, 24। अब देखिए, मौलिक अधिकार का प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12 से। अब अनुच्छेद 12 और 13 इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन जनरल अनुच्छेद 12 और 13 आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया नहीं जाता है, कहानी तो 14 से शुरू होती है और 32 पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम अपनी कहानी का प्रारंभ करेंगे 12 से। अनुच्छेद 12 ये बताता है कि स्टेट क्या होगा, यानी राज्य क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको परिभाषित करता है अनुच्छेद 12। क्योंकि मौलिक अधिकारों में राज्य इस शब्द का वर्णन कई बार आएगा, बहुत सारे मौलिक अधिकार हमको किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। तो आखिर राज्य का मतलब क्या है, यही परिभाषित कर रहा है कौन? अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 कहता है
कि राज्य में शामिल है, एक भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, राज्यों की सरकारें हो गई, विधानमंडल हो गया, सभी स्थानीय प्राधिकारी हो गए, अन्य प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी का क्या मतलब है? पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जिला बोर्ड है। अन्य प्राधिकारी को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है वैसे वैसे वैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय LIC, ONGC, राष्ट्रीय बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि आदि, इन सबको क्या कहा गया? ये सब राज्य हैं। ठीक है, तो ये राज्य है। अब जो है इसमें एक प्रश्न ये आया कि न्यायपालिका क्या है। तो कहा गया कि न्यायपालिका अगर प्रशासनिक अधिकरण के रूप में काम करेगी, प्रशासनिक संस्था के रूप में, जैसे न्यायपालिका भी अपने स्टाफ का सिलेक्शन करती है या करवाती है, तो उस अवस्था में वो स्टेट है, लेकिन जब वो न्याय निर्णयन करती है तब वो जो है अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारी नहीं होगी। ठीक है, ये न्यायपालिका से रिलेटेड है। अब देखिए अनुच्छेद 13, जितने बड़े बड़े हम केसेस जानते हैं, जिनका निर्णय हम जानते हैं, चाहे गोलकनाथ का मामला हो, चाहे केशवानंद भारती का मामला हो, चाहे मिनर्वा मिल्स का मामला हो, सब अनुच्छेद 13 से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 13 जो है ये बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई कानून भारत में चल रहा है संविधान लागू होने से पूर्व, तो वो शून्य हो जाएगा। और ये भी बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या उन्हें न्यून करती हो। तो यहाँ पर हमें अनुच्छेद 13 में दो चीज़ें दिखती है, एक तो संविधान पूर्व विधियाँ, ठीक है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी जब संविधान हमारा वजूद में नहीं आया था उससे पहले के कानून, और 13-2 अनुच्छेद 13-2 बात करता है संविधान पश्चात विधियों, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है। तो हम देखें तो अनुच्छेद 13-1 से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सारी समस्या अनुच्छेद 13-2 से हुई। कैसे हुई इसको समझेंगे तो समझ लेंगे। पहले समझिए 13-1 में क्या लिखा है। तो संविधान के 13-1 में लिखा है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया कि कोई विधि, कोई ला, कोई कानून संविधान के लागू होने से पूर्व अगर भारत में चल रहा था, लेकिन अब संविधान लागू होने के बाद ये समझ में आ रहा है कि भाग 3 से वो असंगत है, मौलिक अधिकारों का वो हनन करता है, उनको छीनता है, तो वो जो है न्यून असंगत है, तो जितना भाग उसका असंगत है वो शून्य हो जाएगा, ये कहा गया। अब अनुच्छेद 13-2 जिससे पूरा विवाद उठा ये है। अब अनुच्छेद 13-2 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। तो अब यहां पे क्या कर दिया गया स्टेट को कि भैया भाग 3 में जो लिखा हुआ है उसको राज्य छीन नहीं सकती, उसमें कमी नहीं कर सकती, यही लिखा हुआ है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है, ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो यह सुरक्षा कवच प्रदान किया गया मौलिक अधिकारों को कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। अब देखिए इस 13-2 में जो लिखा है और 13-1 में लिखा है विधि ला, इसको 13-3 में डिफाइन किया गया है कि विधि मतलब क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि भारत के संविधान में कोई कन्फ्यूजन न क्रिएट हो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, जबकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुच्छेद 13-3 विधि शब्द को ही परिभाषित करता है। क्या है देखिए, तो अनुच्छेद 13-3 कहता है कि विधि के अंतर्गत, ला के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस हो,
वो विधि है, आदेश हो आर्डर हो वो विधि है, कोई रूल हो नियम हो वो विधि है, कोई विनियम हो कोई रेगुलेशन है वो विधि हो है, कोई उपनियम बाइला है वो विधि है, कोई अधिसूचना है नोटिफिकेशन है वो विधि है, यहाँ तक कि कोई प्रथा है कस्टम है वो विधि है, या कोई रूढ़ी है यूजेस है वो विधि है। इतना स्पष्ट किया गया कि ये सब विधि है, लेकिन फिर प्रश्न ये पूछा गया कि क्या इस विधि के परिभाषा में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को भी विधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर विधि माना जाएगा तो इसका मतलब है कि राज्य मतलब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो, जैसे संपत्ति के अधिकार को तो छीन लिया गया ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। और अगर इसके तहत विधि न माना जाए अनुच्छेद 13(3) के तहत संविधान संशोधन, हालांकि संविधान संशोधन होता है तो उसे भी हम अधिनियम ही कहते हैं, लेकिन अब ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि संसद के पास ये अधिकारिता तो होनी ही चाहिए ना कि वो संविधान में बदलाव कर सके। और सदा युवा कानून का यही कॉन्सेप्ट भी है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। ठीक है, लंबी डिबेट है, लेकिन अभी इसको हम इतने में समझ लें, क्योंकि इसका एंगल समझने के लिए आपको जो है 10-20 मिनट और भी चीजें समझनी होंगी। ठीक है, तो अब यहां पर यह समझिए कि यही प्रश्न पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 13(3) में जो विधि की परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो भी शामिल है या नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसको तो हम अभी छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 13(2) से क्या दिक्कत हुआ उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 13(2) में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है। ठीक है, अब इससे सबसे अधिक दिक्कत आई नेहरू जी की सरकार को, क्योंकि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई बहुत सारे राज्य सरकारों ने जमींदारी को तोड़ना प्रारंभ किया। बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, 20-20 हजार हेक्टेयर, 10-10 हजार हेक्टेयर, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 गांव की जमींदारियां थी, लैंड होल्डिंग्स थी, किसी के पास जो है ऐसे हजारों लोग थे जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग थे जिनके नाम से गांव के गांव थे। तो ऐसे में ये कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा और सीलिंग लेकर के आएंगे कि हम जो है जिसके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है जमीन की, उस जमीन को हम एक सीमा तय करेंगे कि कोई व्यक्ति 18 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ इस तरह से जमीन रख सकता है, इससे ज़्यादा अगर जमीन वो रखेगा तो उसकी ज़मीन को हम ले लेंगे और जो जिनके पास भूमि नहीं है उनमें हम वो वितरित कर देंगे। अब इस तरह के कानून आने लगे, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(f) में और अनुच्छेद 31 में ये प्रावधान किया गया कि संपत्ति का अधिकार सबको होगा, सबको संपत्ति अर्जित करने और उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अब जब ये अधिकारिता थी तो बिहार की सरकार जब भूमि सुधार के नाम से कानून लेकर के आई जमींदारी को तोड़ने के लिए, तो एक थे दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह, दरभंगा स्टेट के पास कहते हैं कि बहुत ज़मीनें थी, तो कामेश्वर सिंह पटना हाईकोर्ट में चले गए और पटना हाईकोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दे दिया, कामेश्वर सिंह के पक्ष में फैसला दे दिया। कह रहे ये तो सरकार बिहार की गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही भैया? क्योंकि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। तो जब राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता तो कैसे बिहार की सरकार जो है संपत्ति को छीनने का कानून बनाएगी? तो ये नेहरू जी के तो पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया। अब नेहरू जी के ऊपर दबाव जो है केवल बिहार से ही नहीं था, बहुत राज्यों से था, क्योंकि सेम यही संविधान में जो लिखा है उसी का तो इंटरप्रिटेशन करना है सुप्रीम कोर्ट को, हाईकोर्ट को, तो संविधान में तो स्पष्ट रूप से यही लिखा है। तो जब यही लिखा है तो सीधा सा बात है कि जितने राज्य सरकारों के भूमि सुधार के कानून थे वो सब कोलैप्स होने थे। पटना हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया,
तो अब नेहरू जी की सरकार पर दबाव पड़ने लगा राज्य सरकारों द्वारा कि भैया इसका कोई समाधान निकालिए। तो संविधान का पहला संशोधन हुआ और पहला संशोधन हुआ, इस संशोधन के हिसाब से संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 में दो नए खंड जोड़े गए, अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 बी। और अनुच्छेद 31 ए में प्रावधान किया गया कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार आदि के पक्ष में बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, पहला। और अनुच्छेद 31 बी के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो अब यह कह दिया गया कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, और यह भी कह दिया गया कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार आदि के पक्ष में बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। तो इस तरह से नेहरू सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी, और उस 9वीं अनुसूची में जो कानून डाल दिए गए उन्हें कहा गया कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी उनकी सुनवाई कोर्ट में हो नहीं सकती। तो इस माध्यम से करके जो है जमींदारों की जमीन छीनी गई भारत में, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची के बारे में भी दिया गया है, कुछ कानून आप देख लीजिए कैसे कैसे कानून गए 9th शेड्यूल में। आप देखिए, ये पहला कानून गया द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, जिसको पटना हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, अब नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची में डालकर इसको वैध कर दिया। इसके बाद देखें बॉम्बे टेंडेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, इसी तरह से बहुत सारे जो है, देखिए द हैदराबाद एबोलिशन ऑफ जागीर्स रेगुलेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए प्रश्न यही उठ गया, अब संविधान तो बन गया, संविधान में 13(3) में विधि को परिभाषित भी कर दिया गया, लेकिन प्रश्न उठ गया कि विधि का अर्थ क्या है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, यह पहला प्रश्न आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या है कि भैया आप किसी कानून से, किसी आदेश से, कार्यपालिका ही आदेश से, किसी भी तरीके से आप जो है मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 368 के तहत आप करें तो आप कर सकते हैं, ये कहा गया, इसका मतलब यही हुआ। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में भी इसी मत का अनुसरण किया गया, क्या मत था ये, कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन यह मामला उल्टा इंदिरा गांधी के समय, किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि ही है। अब इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ बहुत बड़ा था, इसका अर्थ यह था कि अब संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। तो तुरंत इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय तो कमजोर थी, लेकिन फिर जो है चुनाव के बाद जब इंदिरा जीत करके आई तो उन्होंने 1971 के 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) को भारतीय संविधान में जोड़ दिया। अब अनुच्छेद 13(3) ही था मूल संविधान में, अब अनुच्छेद 13(4) आ गया। 13(4) क्या में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 13 की कोई बात, अनुच्छेद 13(4) में लिखा गया अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में भी संशोधन हुआ, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा किए गए संशोधन की वैधता को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं होगी। तो फिर फाइनली मिनर्वा मिर्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का न्यायिक पूर्वालोकन कर सकता है।
तो अब देखिए, हमने अनुच्छेद 12 और 13 को ठीक प्रकार से समझ लिया, और अच्छे से इसे समझना चाहिए हमें, लेकिन हम जो है रिवीजन पर निकले हैं, पता चलेगा कि अनुच्छेद 12 13 को ही पढ़ने में हमारा सारा समय चला जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, और इसमें अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो राज्य को बताया गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक विषय यह है कि ये अधिकार सबको मिला है, ये व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भारत के नागरिक को भी है, विदेशियों को भी है, और व्यक्ति शब्द को भी डिफाइन किया गया है। तो व्यक्ति में क्या क्या शामिल हैं, तो सांविधिक निगम है, कंपनियां हैं, पंजीकृत समितियां हैं, किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति है। अब यहाँ पर बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का उत्तर ये है कि विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों को हमें समझना है। तो विधि के समक्ष समता यह कहता है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। तो हमने सबको क्या मान लिया कि सारे लोग एक समान हैं और किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, तो कोई न अव्वल है और न ही कोई सबसे नीचे है, सभी लोग बराबर हैं। लेकिन विधियों के समान संरक्षण में क्या कहा गया, विधि के द्वारा प्रदत्त अधिकारों और दायित्वों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, यानी परिस्थिति समान है तभी समान व्यवहार हो जाएगा। अगर परिस्थिति समान नहीं है और आप समान व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अन्याय हो जाएगा। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, यहाँ क्या कहा गया, समान विधि के तहत सभी के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव। कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, विधि से ऊपर नहीं होगा, कानून से ऊपर नहीं होगा। और यहाँ कहा गया समान के साथ समान व्यवहार, तो इसको हम कहते हैं कि ये नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। अब देखिए, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी पूछा जाता है। तो ब्रिटिश विधि शास्त्री एबी डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल है। और विधि के शासन का तात्पर्य क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। तो कोई किसी व्यक्ति को आप तभी दंडित करेंगे जब वो किसी कानून का उल्लंघन करेगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी क्यों ना हो, कानून के ऊपर नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो विधि का शासन भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब देखिए, यहीं पे लिखा है असमानों को दिया गया समान अधिकार ही भेदभाव है, तो असमानों को, दो असमान लोग हैं उनको समान रूप से आप ट्रीट कर रहे हैं, तो असल में वो आप भेदभाव कर रहे हैं। अब विधि के समक्ष समता का अपवाद क्या क्या है, आप यहाँ पे देख लें या जो है इसका स्क्रीनशॉट लें या हम लोग जो है पढ़ ही सकते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के विरुद्ध या संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। इस तरह से कुछ इसके अपवाद बताए गए हैं। अब अनुच्छेद 15 बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, केवल शब्द है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो केवल मतलब और अन्य आधार हो सकते हैं जिस पर विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त के अधीन नहीं होगा। तो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, ठीक है।
तो अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), अनुच्छेद 15(1) और 2 के सामान्य नियम के अपवाद हैं। अब देखेंगे हम कि अनुच्छेद 15(3) में क्या लिखा है, ये सब क्या है, 15(3), 4, 5, 6 अनुच्छेद 15(1), 2 के अपवाद हैं। तो 15(3) में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जैसे बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम, महिला कल्याण कार्यक्रम, महिला आयोग, स्त्रियों को प्रसूति अवकाश तथा महिला विद्यालय आदि। अब अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा गया है, अब ये यहां पर जो है समझ लीजिए कि ये सब संविधान संशोधन से आया है, और संविधान संशोधन से आया है तो ये पूछा जा सकता है, तो मौलिक अधिकार तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा वो प्रावधान संविधान संशोधन से आया है तो उसको भी आपको देखना है। तो अनुच्छेद 15(4) आया है प्रथम संविधान संशोधन से, ठीक है, तो इसके अनुसार राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु विशेष प्रावधान यानी आरक्षण कर सकते हैं। राज्य मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न वर्गों के लिए निश्चित अनुपात में स्थान निर्धारित कर सकता है। अब अनुच्छेद 15(5) ये भी संविधान संशोधन से आया है, 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। अब ये अनुच्छेद 15(6) सब क्लाज ए ये बिल्कुल नया है, ठीक है, ये मोदी सरकार द्वारा आया है, तो इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य खंड 4 और खंड 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण लागू कर सकेगा। और 15(6)(b) इसे भी 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान है कि ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 15 में बदलाव किया गया, ये दो आर्टिकल आए, 15(6)(a) 15(6)(b) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया उसके लिए, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, तो आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15 में भी और अनुच्छेद 16 में भी संशोधन होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो 16(1) क्या कह रहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। 16(2) क्या कहता है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के संबंध में अपात्र नहीं होगा और न ही उसके साथ विभेद किया जाएगा। लेकिन यहां स्पष्ट किया गया है कि अवसर की समता योग्यता का निर्मूलन नहीं करता है, यानी मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक होगी। अब ये है कि आपको आर्मी में जाने के लिए एक सर्टेन हाइट चाहिए, तो वो सर्टेन हाइट आपकी होगी तभी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अब जो है UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो और सब सुविधाएं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ग्रेजुएशन आपको होना ही चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो 16(3) क्या है, 16(3) अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है, ये संसद को शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर लोक नियोजन के विषय में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। इसकी अधिकारिता दी गई है कि भाई कहीं किसी राज्य की का अपना विशिष्ट संस्कृति है तो बाहर के लोग जा कर के ही वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पालें और वहाँ के पूरे जो है संस्कृति को बदल दें इस वजह से, ठीक है। 16(4) में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब संविधान संशोधन सब आने लगे, अनुच्छेद 16(4)(a) इसको 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा संशोधित किया गया, जो 1995 के भूतलक्षी प्रभाव से हुआ, यानी संशोधन हुआ 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, लेकिन लागू वो हुआ
1995 से ही। इसे भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। इसके अनुसार राज्य को यह शक्ति होगी कि वह SC और ST के लिए पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि उसकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 16(4)(b), इसको 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत किसी वर्ष की न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष या वर्षों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसे 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि SC और ST की सीट आई कुल 100, लेकिन कैंडिडेट मिले 80 ही, तो 20 सीट खाली हो गई, तो वो 20 सीट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर कोई परीक्षा आएगी तो उसमें वो 20 सीट अलग से आएगी 100 के बाद, ठीक है। अब जो है अनुच्छेद 16(5), इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से रोकती नहीं है, दिया जा सकता है। अब देखिए, ये एक फेमस केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का। ये बहुत जो है प्रसिद्ध केस है। क्या है इसमें, तो कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था समानता के विरोधी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अब OBC को आरक्षण है, अब उसमें जो है कोई ऐसे OBC हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक है, तो ये कहा गया कि भैया 8 लाख का एक कैप होगा, इससे अधिक जो OBC कमाता है उसे हम क्रीमी लेयर में मानेंगे और उसको आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है। तो क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण अधिकतम 50% होगा, ये इंदिरा साहनी वाले मामले में ही कहा गया कि 50% से अधिक नहीं होगा। प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और आरक्षण की व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। और ये इसी फैसले के बाद ही जो है वो किया गया। अब देखिए जो लेटेस्ट आया है 16(6), इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार खंड 4 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। यह मोदी सरकार द्वारा किया गया। अब अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 यह घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का क्या होगा, अंत होगा। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार देते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि बना सकता है कि कोई जो है छुआछूत को अगर मानता है तो यह दंड होगा। तो इसके लिए कानून बना। भारतीय संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम बनाया गया, जिसका 1976 में नाम बदल कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इसके द्वारा छुआछूत करने या उसे बढ़ावा देने वालों को दंड के दायरे में लाया गया। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो 18(1) में यह लिखा गया है कि राज्य यानी सेना, मिलिट्री और विद्या एकेडमिक संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, पहला। दूसरा, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और 18(4), राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के बिना सहमति के स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न, जो भारत रत्न दिया जाता है, जो पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, उस पर प्रश्न आया कि भाई आपने क्या कहा है कि राज्य मिलिट्री और विद्या एकेडमिक को छोड़ करके कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला था 1996 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री अलंकरण, अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के
दायरे में नहीं आते, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, ये निर्णय दिया गया है। आप बताइए, सब लोग लिखते हैं पद्मश्री फलाने, पद्म विभूषण फलाने, भारत रत्न फलाने, सब लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, जबकि सबके नाम के आगे पीछे इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहां पर हम देखें तो 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, और मूलतः संविधान में हम देखें तो 7 था। एक जो संपत्ति का अधिकार है, यहां देखें, संपत्ति अर्जित करने, रखने तथा बेच देने का अधिकार, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो पहले 7 था, अब 6 हो गया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी अधिकारिता है, तो 16 एक ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा सब लोगों को, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा, तो कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा, भारत के किसी भाग में निवास करने बस जाने का अधिकार होगा, संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेच देने का अधिकार होगा, तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अब इन सब अधिकारों पर जो है वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब पर जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो पहले इसको हम पढ़ लें, वाक्य होंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रतिबंध है। तो सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों ने लगातार अनुच्छेद 19 एक क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि किया है। तो बहुत सारे मामले हम देखें जिनसे कि इस अधिकार में वृद्धि होता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बनाम भारत संघ, तो इसमें कहा गया कि प्रेस के लिए अलग से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं संविधान में किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है मामला उसी में प्रेस का भी मामला है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला 2004, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राइट टू नो, मतदाता को सूचना का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में आया। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(1) ए वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर राज्य निम्नलिखित आधार पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है, तो क्या हो सकता है, आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के विषय पर, राज्य की सुरक्षा के विषय पर, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहा है आपके बोलने से, तो लोक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए भड़काना और शिष्टाचार एवं सदाचार। उसी तरह से देखिए, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, इसका मतलब है कि सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने, जुलूस निकालने का अधिकार, ठीक है, इस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगा है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, ये आप नहीं बिगाड़ सकते, संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो ये संसदीय लोकतंत्र का आधार है, इसके तहत ही राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी आदि का गठन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन के अधिकार पर राज्य निम्नलिखित आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो देखिए सब पर जो है प्रतिबंध है, युक्ति युक्त, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार, ये अगर आप बिगाड़ रहे हैं तो ये मामला हो सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(ई), भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ठीक है,
तो अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुच्छेद 19(1)(ई) भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार पर राज्य निम्नलिखित आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो अब आपके जाने से कहीं की संस्कृति प्रभावित होती है, जैसे नागालैंड वगैरह भारत के कई जनजातीय क्षेत्रों में जाने पर जो है आपको रोक है, इनर परमिट लेना पड़ता है, बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, आप जमीन नहीं खरीद सकते, ये सब। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आप कर सकते हैं, लेकिन राज्य किसी व्यापार, उद्योग या सेवा पर एकाधिकार के पक्ष में नहीं है, हालांकि रेलवे पर तो मोनोपोली ही है राज्य की, ठीक है। अब जो है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं करता है। इस संबंध में तीन व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित न करे। पहला, अनुच्छेद 20(1) में लिखा हुआ है पूर्व कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या है इसका मतलब? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को दंड केवल मौजूदा कानून के तहत ही दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने आज कोई कार्य किया जो अभी इस वक्त दंड के श्रेणी में नहीं है और अगले महीने राज्य की सरकार कोई कानून लेकर के आई और उस कानून में जो आज मैंने कार्य किया है उसको दंड के दायरे में रख दिया गया, तो अब ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार मुझे ये नहीं कहेगी कि आपने 10 दिन पहले जो कार्य किया था वो जो है अपराध था। क्यों? क्योंकि अब 10 दिन बाद कानून बना है तो उसमें ये अपराध है, तो ये नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जो कानून है, अगर मैंने वर्तमान में कोई कार्य किया अभी अपराध नहीं है और बाद में वो अपराध बनता है तो हमने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? किसी व्यक्ति को दंड केवल मौजूदा कानून के तहत दिया जा सकता है। अब आगे एक साल बाद कानून बना के फिर उसको दंड बनाकर उसमें जो है दंडित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी। इसके अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक नहीं दंडित किया जा सकता है और ये निषेध केवल न्यायिक दंड के लिए ही है। विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है लेकिन न्यायिक दंड नहीं दिया जा सकता, एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 20(3) आत्मदोषी कानून से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसके तहत किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को, एक्यूज्ड को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य या विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विटनेस खोजना पुलिस का काम है, पुलिस खोजकर विटनेस दे। अब ये डंडा मार करके अपराधी से ही नहीं कहा जाएगा कि आप जो है विटनेस दीजिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 आ गया, प्राण और देही स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हालांकि अनुच्छेद 21(ए) में क्या है यही प्रश्न पूछ के खत्म कर दिया जाता है, लेकिन समझने के लिहाज से अनुच्छेद 21 जो है काफी चर्चा में रहा हुआ टॉपिक है, ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का भी मामला है, इसको देख लें, 1978 में आया। तो गोपालन का भी मामला हमें समझना होगा और इसको समझने में बहुत अधिक हमारा समय जाएगा। तो चलिए अनुच्छेद 21(ए) इसमें जो है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(ए) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो इससे तो बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 86वां संविधान संशोधन है 2002, इसके माध्यम से अनुच्छेद 21(ए) जोड़ करके संविधान में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। अब अनुच्छेद
22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है। जब किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तब उसे अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदत्त अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलती हैं। तो दो तरह की गिरफ्तारियों का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया। पहला दंडात्मक निरोध, क्या है ये? पॉनेटिव डिटेंशन, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाना, तो ये तो दंडात्मक है। क्या है कि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, अपराध सिद्ध हो गया, आपने उसको जेल में डाल दिया, तो ये प्रक्रिया तो है ही सीधे सीधे। लेकिन एक निवारक निरोध होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या है? अपराध करने से पहले ही आशंका के आधार पर गिरफ्तारी करना। तो अब जैसे ये कहा गया कि धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को दर्जे को ले लिया जाएगा, तो अब जो है जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेता थे, चाहे उमर अब्दुल्ला थे चाहे शेख हसीना थे, इन सबको क्या किया गया? इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये कहा गया कि जब घोषित होगा कि नहीं अनुच्छेद 370 को भारत सरकार निरस्त कर रही है, तो इन लोगों के द्वारा ये आशंका है भारत सरकार को कि ये जो है अपराध करेंगे, या अपराध का मतलब है कि इन लोगों के वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है विरोध हो सकता है, दंगा हो सकता है, तो इनको पहले ही गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। अपराध करने के पहले ही आशंका के आधार पर गिरफ्तारी, इसी को कहते हैं निवारक निरोध, और इसे बहुत खराब माना जाता है। निवारक निरोध कानून ही था रोल एट एक्ट, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22 एक व 22 दो में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। क्या क्या अधिकार हैं? पहला गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, तो हमें कारण बताइए कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। रोलेट एक्ट में क्या था कि कारण पता नहीं भैया, आपको गिरफ्तार किया गया। दूसरा अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। तीसरा गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण का अधिकार, ठीक है। तो ये दिया गया। अब आपको लगेगा कि ये इन सब बातों का क्या है, अभी भी पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को उठा लिया जाता है, उसको जो है पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसको चार चार पाँच पाँच दिन तक पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जबकि नियम ये कहता है कि जैसे ही गिरफ्तारी हुई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, लेकिन नहीं करते हैं। चार पाँच दिन उसको पुलिस स्टेशन में रखेंगे और उसके बाद पाँचवें दिन प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि हमने इसे आज ही पकड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार, ठीक है। हालांकि इन सब के बाद भी उल्लंघन हो ही जाता है। अनुच्छेद 22-30 के अनुसार खंड एक और खंड दो की बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। किस पे नहीं लागू होगी? तो कोई अन्य देशी शत्रु है और निवारक निरोध विधि के अधीन कोई निरुद्ध व्यक्ति है। निवारक इसीलिए निवारक निरोध विधि के अधीन कोई व्यक्ति है। तो निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसको क्या क्या अधिकारिता है? तो अनुच्छेद 22-4 से 22-7 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के निम्न अधिकार बताए गए हैं। पहला निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को 3 महीने, ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 2 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु निम्न दो दशाओं में ऐसा किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, और दूसरा या ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार ग्राउंड बताया जाएगा और गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर दिया जाएगा। अब देखें यहाँ महत्वपूर्ण निवारक निरोध कानून लिखा गया ताकि आप समझ सकें कि ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो निवारक निरोध अधिनियम एक जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इमरजेंसी में आया, मीसा, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है जो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया और जब लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे इसी मीसा कानून के तहत ही बंद थे, तो उन्होंने अपनी लड़की का नाम भी मीसा रखा, मीसा भारती। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, ये बहुत प्रसिद्ध है, आपने जरूर सुना होगा रासुका।
इसके अलावा जो है ये सुना होगा आपने बहुत, आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा, इसके बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अब जो है निवारक निरोध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ये जान लीजिए कि निवारक निरोध समवर्ती विषय सब्जेक्ट है और इसलिए राज्य की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार इससे जुड़ा हुआ कानून बना सकती है, ठीक है। ये समवर्ती विषय में है निवारक निरोध। अब जो है हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 23 बात करता है बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 एक के अनुसार मानव के दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और इसके उल्लंघन को अपराध मानता है जो विधि के अनुसार दंडनीय है। तो मानव का दुर्व्यापार क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, तो देवदासी या दास प्रथा, तो देवदासी और दास प्रथा आप जानते ही होंगे। बेगार अथवा बलात्श्रम, बेगार का मतलब है बिना कोई मजदूरी दिए किसी से काम कराना। इसके अलावा मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय तो पहले तो होता ही था। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है और बंधुआ मजदूरी आदि। तो अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अब देखिए इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने कौन कौन से कानून बनाए। तो पहला बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। अनुच्छेद 23(2) में लिखा है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, कि भाई ये कह दिया जाएगा कि सबको जो है सेवा करनी है। तो अब इसको जो है बेगार में नहीं माना जाएगा, बलात्श्रम में नहीं माना जाएगा, ठीक है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, देखिए प्रतिशोध पढ़ा जा रहा है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, पहली बात। और इस अनुच्छेद द्वारा लगाए गए निषेध आत्यंतिक एब्सोल्यूट हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो आप किसी भी परिस्थिति में 14 वर्ष से छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते। और जोखिमपूर्ण कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध करने वाले विभिन्न कानून हैं, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 और बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से लेकर 28 तक, जिसमें 25 में बात की गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को मानने, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने का प्राधिकार होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। तो राज्य निम्न आधारों पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। तो सबको अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ जो है उस पर निर्बंधन है। पहला क्या है, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य हेल्थ के आधार पर, ठीक है। अब आपकी तबीयत खराब है लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि नहीं हम ये कार्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 25(2) मुख्य स्पष्टीकरण बताता है क्या क्या, तो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित हैं। तो जब हिंदू शब्द का प्रयोग होगा तो आप समझेंगे कि बौद्धों के लिए, जैनों के लिए और सिखों के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। और ये अंतःकरण क्या है इसको भी समझ लीजिए, तो किसी व्यक्ति को भगवान के अपने ढंग से अपने संबंध बनाने के अधिकार को परिभाषित करता है। तो कोई व्यक्ति अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने भगवान से अपना जो है संपर्क स्थापित कर रहा है, ठीक है। अब अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला धार्मिक
यानी रिलीजियस एवं पूर्त चैरिटेबल प्रायोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। जंगम और स्थावर यानी मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति के अर्जन स्वामित्व का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 26 द्वारा प्राप्त अधिकार व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दिया गया है। तो यहाँ मुझसे गलती होगी, मैंने व्यक्ति भी कह दिया, तो धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय किसे माना जाए, ये प्रश्न पूछा गया SP मित्तल बनाम भारत संघ मामले में 1982 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए तीन आधार बताए। पहला, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी सामान्य जीवन पद्धति कॉमन वे ऑफ लाइफ में हो, उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा होना चाहिए, उस समूह का एक विशिष्ट नाम स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन व आनंद मार्ग हिंदू धर्म के तहत धार्मिक संप्रदाय हैं, ये बताया गया। अब धार्मिक अभिवृत्ति हेतु करों से मुक्ति, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी प्राप्तियों को किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण के लिए खर्च किया जाता है। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 27 में कर लगाने का निषेध करता है, लेकिन शुल्क फीस लगाने का नहीं। तो बहुत सारे जो है आप देखते हैं नवरात्रों में दर्शन वगैरह होता है, विंध्याचल वगैरह, तो ये फीस ली जाती है सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, तो क्या है अनुच्छेद 28(1), राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहली बात। 28(2), वे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी धर्म स्व या न्यास द्वारा की गई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है भले ही ऐसे संस्थान का प्रशासन राज्य कर रहा हो। 28(3), राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी अपनी सहमति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। और धार्मिक शिक्षा क्या है, तो धर्म तथा उसके विविध पहलुओं जैसे उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संस्कार आदि की शिक्षा देना को जो है धार्मिक शिक्षा कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 29(30), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसी के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है इसमें, तो अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, संस्कृति, कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी को है, दोनों को है। तो अनुच्छेद 19(2), राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उसे प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। तो इस अधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें क्या, अनुच्छेद 30(1), शिक्षण संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया। तो 30(1) में क्या है, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उनके प्रशासन का अधिकार होगा। 44(1)(a), इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत निर्बाधित न हो। अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ गया जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए 5 रिट जारी करती हैं, उनको हम समझ लें। जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कार्पस, क्या है इसका मतलब, हैबिस कार्पस
का शाब्दिक अर्थ है मानव शरीर पवित्र है, अतः किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है जिसने बंदी किया है कि वह उक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो बंदी प्रतिक्षण प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है और यह मनमानी गिरफ्तारी व हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। तो इसके तहत न्यायालय द्वारा लोक अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय सरकार या निगम को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वो बाध्य है। तो इस प्रकार परमादेश कर्तव्यों में कमी के दौरान जारी होता है कि कोई किसी को कोई कर्तव्य दिया गया है और उसमें वो कोताही बरत रहा है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। तो ये रीट वरिष्ठ न्यायालयों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या जिला न्यायालयों को जारी की जाती है जब उनको उनके अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन करने से रोकना हो। तो पता चल रहा है कि उनका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र में उसको मान करके कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। तो ये किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन जो कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो अब यह है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट में अंतर क्या है? तो प्रतिषेध रीट को तब जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, अतः इसका उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, और उत्प्रेषण रीट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, अब एक बचा अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। तो ये रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जो किसी लोक पद पब्लिक ऑफिस का अवैध रूप से धारण किए हो, और इसके द्वारा ये पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। तो अब मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ और अनुच्छेद 33, हो सकता है कि ये सब कभी नहीं पूछा गया परीक्षा में तो पूछ ले। तो अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों खुफिया एजेंसियों पुलिस इत्यादि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासनात्मक अनुशासन सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 34, इसके तहत जब भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 35, इसके अनुसार संसद को केवल कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु ये अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है। तो इसके तहत अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33, 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने मूल अधिकारों का रिविजन किया। अब चूंकि इतना अधिक बड़ा ये टॉपिक है कि इसको जो है बहुत फास्ट पढ़ने पर मामला जो है बोझिल हो जाता है, नीरस हो जाता है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ होगा। हालांकि हमने पूरा रिवीजन कर लिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।